Most welcome students, this is Utkarsh Tiwari, chemistry faculty. Now student, we are coming the next part of atomic structure, and today topic is hydrogen spectra. Hydrogen spectra is monoelectronic spectra, means उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है. So एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से then it produces the two type, emission and absorption spectra. जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर शेल में जाती है तब उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं. यहाँ पे शेल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और ये आयोनाइजेशन, यानी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा दैट इट मूव आउटसाइड द एटम, दैट दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्पेक्ट्रा. तब उसे हम लोग आयोनाइजेशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं. क्लियर? और इसमें याद रखिएगा, फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी हम लोग ए इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से वैल्यू निकालते हैं. देन वैल्यू इज एक्चुअली कमिंग फॉर द फर्स्ट शेल, फॉर स्पेशली फॉर हाइड्रोजन दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड शेल दिस इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड इज माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फोर्थ इज दिस इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड द फिफ्थ वन इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? नाउ द फर्स्ट स्पेक्ट्रा इज नेमिंग इज अल्फा, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, सो दिस इज कॉल्ड एच अल्फा. सेकेंड इज एच बीटा. थर्ड इज एच गामा. फोर्थ इज एच डेल्टा. एंड द नेक्स्ट इज एच थीटा, सो ऑन. क्लियर? नाउ दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फर्स्ट शेल. क्लियर? एंड दिस वन इज एक्चुअली कॉल्ड एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. इफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कमिंग फ्रॉम अ हायर टू लोअर देन दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मीन्स अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, means an element which has only one electron, so this is called hydrogen spectra. Clear? Now we see that what happens and how many series are produced in a hydrogen spectra. Yani ki jab electron absorb karega to first se second, second ya first se third ya first se fourth kisi mein bhi ja sakta hai. To first se kisi mein jaye ya first se kisi mein aaye, theek hai, to uske liye different series hoti hai. To usko different scientists ne apne name pe usko bataya. Clear? तो उसी के ही नेम पे उन सीरीज का नाम पड़ा. आइए हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रोड्यूस द एनर्जी, हाउ टू एनी इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन टू अदर. क्लियर? सो हियर द वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक कॉन्सेप्ट ई1 माइनस ई2 इज इक्वल टू एच न्यू. सो एच न्यू इज इक्वल टू ई1 माइनस ई2, हम लोग को मालूम है इज इक्वल टू आर एस सी अपॉन एन स्क्वायर रहता है इनटू जेड स्क्वायर. वैल्यू रखेंगे तो आता है 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर रिप्रेजेंट बाय न्यू बार. क्लियर? एंड यू मस्ट बी रिमेंबर दैट आर इज इक्वल टू आर रिडबर कॉन्स्टेंट, इस वैल्यू इज 109677 पर सेंटीमीटर. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग नंबर. एंड जेड इज एटॉमिक नंबर. फॉर हाइड्रोजन वी पुट द वैल्यू ऑफ 1, सो देन दिस इज कमिंग value is 1 upon lambda r means 109677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Now after that we are coming the first one. This is a Lyman series. If electrons is moved from first to second, third, fourth, fifth and so on, so whatever the electron spectrum is produced, this is called a Lyman spectrum. And this frequency or wavelength of this इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इज कमिंग इन अ यूवी रीजन. यूवी रीजन वी नो दैट दिस इज अ रीजन इज कमिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नाउ सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एनीवन, देन दिस इज कॉल्ड अ बामर सीरीज. क्लियर? एंड दिस इज कमिंग इन अ विजिबल रीजन. सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम अ थर्ड टू फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन दिस इज कमिंग इन अ आईआर रीजन एंड दैट इज कॉल्ड अ पार्शियल सीरीज. Similarly, if the electron is jumping from a 4 to 5, 6, 7, then this is coming a far infrared region and this is called a bracket series. Clear? Now, the electron is jumped from 5th to 6, 7, 8, then this is called a far infrared region. Clear? Now, this sixth one, now I am right over here, this is called Hum-Fairy series. This is called Hum-Fairy series. Clear? If the electron jump from 6 to 7 and 8, then this is called Hum-Fairy series and that one is also coming in a IR region. Clear?
ये भी किसमें आती है, IR रीजन, यानी कि फॉर इंफ्रारेड रीजन। सो स्टूडेंट, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड वी फाइंड आउट इट्स डिफरेंट सीरीज। नाउ वन थिंग इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन टू अदर एंड वेट टू, दिस इज एक्चुअली न्यूमेरिकल, सो हियर वी डिस्कस दैट वन। नाउ सी इट, now question is calculate the number of spectral lines if electron jump from fifth to first। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ टू फर्स्ट शेल। सो दिस इज कैलकुलेटेड बाय सिग्मा एन टू माइनस एन वन। यू सी दैट एन टू मीन्स फिफ्थ टू फर्स्ट, मीन्स दिस इज कमिंग सिग्मा फोर, मीन्स दैट वन इज कमिंग फोर थ्री टू एन वन। टोटल मीन्स दिस इज ए 10 स्पेक्ट्रल लाइन, that is 10 spectral lines, clear? So in this way we have calculated the value of number of spectral lines. Now you must be remember that if the electron is present in the N shell, if it jump from next one, means N2 is equal to N1 plus 1, then it is produced longest wavelength and smallest frequency. Now next one, if the electron is N and N2 is infinite, then it has a shortest wavelength and highest frequency. Clear? If the N1 is N and N2 is next one, then they produce the longest wavelength and the smallest frequency. If the N1 is N and N2 is infinite, then this is the shortest wavelength and highest frequency. Clear? So that one is a very important, this point is very important, the last of the cases, the numerical is coming in this process, which is related to that one, yani ki pucha jayega ki Lyman series ke liye longest or shortest ke liye nikaliya, to longest ke liye kya ho jayega, N1 barabar ho jayega 1 aur N2 barabar ho jayega 2, aur shortest ke liye ho jayega N1 barabar value ho jayegi 1 aur N2 barabar ho jayegi इन्फिनाइट, क्लियर? इसी तरीके से बामन सीरीज के लिए एन वन बराबर टू और एन टू बराबर अगर थ्री हो जाए तब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे, और अगर एन वन बराबर टू और एन टू बराबर हो जाएगा इन्फिनाइट तब हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th क्लास। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर, एंड दिस इज एक्चुअली अ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। And the topic is, the next one is a de Broglie constant and Heisenberg uncertainty principle. Clear? Now thank you and thanks a lot.